और देखिए सबसे पहले एक बार जरा अखबारों को देखिए, आज पूरे अखबार जितने भी आप उठाकर देखेंगे, जीत गई जिंदगी, इधर मेरे पास दूसरा नवभारत टाइम्स है, यहाँ देखिए चट्टानी हौसलों की जीत। पलक आपके अखबार में क्या है? बिल्कुल, अगर पूजा मेरे पास जनसत्ता है, इसमें भी बड़ी अच्छी हेडलाइन दी गई है, अंधेरे से फूटी जिंदगी की किरण। क्योंकि इतने दिन से अंधेरे में रह रहे थे ये तमाम मजदूर, और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हाँ जरूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूजा सफल होंगे। और साक्षी आपके अखबार में? उस बीच मेरे पास अमर उजाला में भी फ्रंट पेज पर इसी खबर का जिक्र किया गया, 17वें दिन जिंदगी में उजाला, रात 7:50 पर निकाला पहला मजदूर विजय होरी, और 8:35 पर आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, सक्सेसफुल यह मिशन रहा, और 400 घंटे फंसे रहे अंधेरी सुरंग में मजदूर, इस बात का भी यहां पर जिक्र किया गया। और देखिए इस बीच, क्योंकि जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं उसके बाद उनको चिकित्सा दिया जाता है, मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर बातचीत की और वो तस्वीरें भी सामने आई। साथ साथ में ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके धैर्य की सराहना भी यहां पर की। आपके अखबार में क्या कुछ खास प्रिया? बिल्कुल, मेरे हाथ में इस वक्त दैनिक भास्कर है और फ्रंट पेज पे यहाँ पर लिखा है जो हेडलाइन है वो ये कि टनल खुली जिंदगी के लिए। इसके अलावा 5 स का जिक्र किया गया है जो कि इस पूरे ऑपरेशन में देखने को मिला। पहला स संकट, दूसरा स संघर्ष, तीसरा स सफलता, चौथा स स्वागत, और 5वां स जिसका सबको इंतजार था वो सुकून, जो कि यहाँ पर उन परिजनों ने महसूस किया। वो 17 परिवार, और ना केवल वो 17 परिवार बल्कि पूरा एक देश जो कि दुआएं कर रहा था कि वो मजदूर सुरक्षित हों, वो मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकले। और एकदम से जब वो खुशी की खबर सामने आई, मानो हर कोई भावुक हो गया। कल हमने देखा था साक्षी, वहाँ पर जितने रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग मौजूद थे, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के हों, चाहे वो स्टेट एजेंसी के हों, कितने भावुक वो नजर आए। और अंत में जो रैट माइनर्स आए थे, जिन्होंने पूरी तरीके से जो एक ऑपरेशन चल रहा था उसमें तेजी वहां पर दी, और उसके बाद जो कल हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना बड़ा कोई ऑपरेशन भारत में चला हो। ये हर व्यक्ति की जीत है जो कि इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर तमाम वो फोर्सेज और वो टीमें हो जो कि मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। और वो मजदूर जो कि 17 दिन तक 41 मजदूर अंदर रहे, अंदर ही खाना खाया पिया, और उस बीच पलक क्योंकि हम और आप जिक्र भी कर रहे थे अभी कल जब मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी अंतिम चरण में पहुंच गया था, कि अगर 17 घंटे आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर 17 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और ये 41 जाने अंदर फंसी रही। कुछ साक्षी से भी एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों से फोन पर बातचीत की, जैसे ही बाहर निकल कर आए पीएम मोदी ने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी नजर लगातार बनाए हुए थे, और देखिए हादसे के दिन से पीएम लगातार जानकारी ले रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। पीएमओ के अधिकारी भी उत्तरकाशी में तैनात रहे, पीएम के मंत्री भी रेस्क्यू के दौरान तैनात रहे, पीएम के मार्गदर्शन में चलाया गया ये बड़ा अभियान। और देखिए तस्वीरें सामने आई, मंत्रियों अधिकारियों ने चलाया था ये बड़ा अभियान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 41 मजदूरों से उनके बाहर सुरक्षित निकलने के बाद में बातचीत करी, ना केवल बातचीत करी, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सफलता भावुक कर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना, उन्होंने कहा कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करने वाला है, बचाव अभियान की सफलता भावुक कर देने वाली है, श्रमिकों और परिजनों के चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है वो बेहद सराहनीय है, बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं, पीएम के द्वारा कहा गया। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है, और इसी के साथ में ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि बेहद खूबसूरत, 17 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार 41 जाने सुरक्षित। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और खुद क्योंकि वो तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे थे, देखिए जैसे ही मजदूर विजय निकला, उसका संयोग से उसका नाम भी विजय था, जैसे ही इस ऑपरेशन में विजय हासिल हुई इसके बाद सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, और इसके बाद 41 वहाँ पर एम्बुलेंस, देखिए ये फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया वो मजदूर, और उन मजदूरों के चेहरे पर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन में जो पाइप वहाँ पर लगाई गई थी उसमें स्ट्रेचर भी था, लेकिन मजदूरों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम तो ऐसे ही आएंगे। जब अंधेरे में थे तब वहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, और जब बाहर निकले तो खुशी खुशी उस रोशनी को देखने के लिए, और सोचिए वो तमाम मजदूर जो कि वहां पर मौजूद थे, जो ऑपरेशंस वहां पर कर रहे थे, उन्होंने अपने इच्छा शक्ति में, उन्होंने अपने हौसलों में तनिक भी कमी नहीं लाई, और यही कारण है कि वो जो तस्वीरें सामने आ रही थी, हर एक शख्स और पूरा देश टीवी के सामने बैठा हुआ था कि कब ये अद्भुत क्षण जो है वो वहां पर सामने आए। और जब वो वहां पर पहुंचे, जनरल वीके सिंह को आप देख सकते हैं जैसे ही मजदूर
मजदूर निकले, उसके बाद फूल मालाओं के साथ मजदूरों का स्वागत हुआ। सब ने तारीफ की और तारीफ उस हौसले की जो कि वहां पर इन मजदूरों ने दिखाई है। पीएमओ के अधिकारी भी लगातार चीजों को देख रहे थे, पीएम के मंत्री भी रेस्क्यू के दौरान वहां पर तैनात रहे। जनरल वीके सिंह जिन्होंने एक तरीके से वहां पर कैंप लगा लिया, नितिन गडकरी जो लगातार ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, पीएमओ की तरफ से हर संभव मदद की बात कही गई थी और खुद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो कि हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे और अंततः पूजा ये सफलता हासिल हुई। कल तो हमने देखा कि उन परिवारों के लिए और मानो पूरे देश के लिए करी दिवाली हो। देखिए जाहिर तौर पर पूरे देश में दुआएं लगातार जारी थी कि 41 श्रमिक जो है वो बाहर निकले और जो कल खुशी का लम्हा था जैसे ही ये खबर आई कि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है और श्रमिक का बस टनल से बाहर आने वाले, मुझे लगता है कि हर कोई टकटकी लगाए बैठा हुआ था और ये लगातार दुआएं कर रहा था कि बस अभी इंतजार जल्दी खत्म हो। और देखिए मैं सबसे पहले अखबारों का रुख करूंगी, देखिए अभी भी क्योंकि ये जो हमारा पूरा शो है वो अखबारों पर है और अखबार में क्या खबरें हैं, किस किस एंगल से कौन कौन से खबर को किस अखबार ने उठाया, ये हमारा पूरा फोकस रहता है। तो देखिए मेरे पास एनबीटी है, सबसे पहले एनबीटी में तस्वीरें ये देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी जो श्रमिक है उनको गले लगाते हुए नजर आते हैं और जो श्रमिक हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, मुझे लगता है कि मौत को छूकर आना, जिंदगी कितनी कीमती है ये समझ पाना, और मुझे लगता है कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि जिंदगी कितनी कीमती होती है क्योंकि जो इसके लिए संघर्ष करते हैं, जो लोग बहुत मौत को करीब देख लेते हैं, जरा उनसे पूछिए। तो इसीलिए अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। और देखिए सबसे पहले अगर पॉइंट वाइज देखिए, विज्ञान और तकनीक के साथ आस्था बनी मदद का सहारा। आप जान रहे हैं कि अब ऐलान भी हुआ कि वहां पर मंदिर का निर्माण भी होगा। टनल एक्सपर्ट्स ने आसान की चुनौती और देखिए 8 राज्यों के मजदूर इसमें थे, 24/7 ये अभियान चला। एनडीआरएफ की टीम रही, एसडीआरएफ की टीम रही, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी रेस्क्यू एजेंसी के साथ ONGC, SJVNL, RVNL, यहाँ तक कि NHIDCL, TSDCL की टीमें भी बचाव अभियान में लगी रही। तो ये एक लंबा अभियान रहा। जरा सोचिए 12 तारीख दिवाली का दिन था, पलक हम सब लोग जश्न मना रहे थे और पूरा देश खुशियां मना रहा था और एकदम से कल जब उनके परिजनों से बातचीत जब की गई वहां पर तमाम जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उनका कहना भी था कि इस बीच में दिवाली निकल गई, छठ निकल गई, तो हम सारे त्योहार एक साथ मनाएंगे। अच्छा बीच में चर्चा तो ये लगी थी कि 25 तारीख जो बड़ा दिन होता है आमतौर पर और क्रिसमस के तौर पर भी लोग मनाते, तो ये होता कि ऐसा हो कि 25 तारीख भी महीना गुजर जाए, क्योंकि ये हुआ था कि एक महीना और खींचने वाला, लेकिन थैंकफुली कम से कम ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और सारे श्रमिक बाहर आए। और क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद, जरा सुनिए एक बार। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है, 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHIDCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, चेहरे पर उनके भी एक मुस्कान थी क्योंकि जाहिर तौर पर आपके राज्य के अंदर एक विकास कार्य चल रहा है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं और वो बार बार वहां पर जा रहे थे। हमने देखा कि जनरल वीके सिंह लगातार वहां पर जा रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर जा रहे थे और बाकायदा बातचीत कर रहे थे जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे। और मुझे लगता है कि ये एक भरोसा होता है अपने लोगों को दिलाने का कि आपके साथ हैं हम, अगर आप मुश्किल में फंसे हैं तो आपको उस मुश्किल से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा पूजा एक बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम हमेशा अपनी जो गलतियां होती हैं उससे सीखते हैं। अमर उजाला मेरे पास है और यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अमर उजाला का मेरे फोन पे खुला हुआ है। इसमें हेडलाइन दी गई है कि अब देश के लिए केस स्टडी बनेगा ये पूरा वाक्य घटनाक्रम सिलक्यारा सुरंग हादसा।
एनआईडीएम तैयार करेगा पूरा चैप्टर, भविष्य में सुरंग निर्माण में हम क्या क्या सुविधाएं बरतें और कैसे कमियों को दूर करें, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा नया चैप्टर, और इसको केस स्टडी की तरह स्टडी किया जाएगा और वो तमाम पहलुओं के मद्देनजर आगे की सुरंगों को डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा था और बहुत चुनौतीपूर्ण चैलेंजेस हमने फेस किया, उस बीच पूरा घटनाक्रम फिलहाल एक सीख की तरह लिया जाएगा। अच्छा, आपके अखबार में क्या क्या पॉइंटर्स हैं, लाइक क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, जैसे हर अखबार ने अपनी अपनी अलग अलग डिटेल्स शेयर की। पूजा, इस वाली खबर के सिवाय यहाँ पर डिटेल्स दी गई कि 25 मिनट में सभी को बाहर निकाला गया, कैसे बाहर निकाला गया, और रैट माइनर्स ने सफलता दिलाई, क्योंकि सारे दरवाजे एक तरीके से बंद होते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि रैट माइनर्स सामने आते हैं, हाथों से काम शुरू किया जाता है, मैनुअल ड्रिलिंग की जाती है और तब जाकर मजदूरों तक पहुंचा जाता है। 45 मिनट लगे सभी को बाहर निकालने के लिए, पीएम मोदी ने बातचीत करी, फिर ऐसे तमाम जो चीजें थी टीम्स के द्वारा की गई, 5 सदस्य सुरंग में गए, पहले सभी श्रमिकों को बाहर निकाला, फिर वो खुद सदस्य बाहर निकले, मतलब पहले उनका रेस्क्यू किया, 41 लोगों को बाहर निकाला, फिर वो बाहर निकले, ऐसी तमाम डिटेल्स अखबार में बताई। और मेरे पास भी, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, तो देखिए किस तरीके से अमर उजाला ने ये जो हेडलाइन दी है कि विदेशी मीडिया ने भी बचाव अभियान की सराहना की, बीबीसी से लेकर सीएनएन ने दरअसल इस पूरे खबर को लेकर के, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ है ना केवल देश की निगाहें थी आप समझिए कि बल्कि पूरा जो विश्व है वो देख रहा था, और बीबीसी ने तारीफ की और ये नियमित अपडेट कर रहे थे बीबीसी मीडिया कंपनी की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, दरअसल सुरंग से जैसे मजदूर बाहर निकले तो उनसे जो मुलाकात हुई वो तस्वीर को यहाँ पर बीबीसी ने तरजीह दी। इसके अलावा सीएनएन ने भी, अमेरिकी मीडिया कंपनी ने भी तारीफ की, एक वीडियो साझा की और उसमें सीएम धामी श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं और मजदूरों ने चैन की सांस ली है, तो इसको जगह दी, यानी कि इंटरनेशनली भी ये खबर बहुत ज़्यादा छाई रही और तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी इस खबर को तरजीह दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मजदूरों से फोन पर बात की, वो तस्वीरें भी उससे पहले मैं आपको दिखा रहे थे कि मजदूरों का हालचाल जाना, क्योंकि ऐसा मौका है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जा रहे थे वो अपने मन में उन मजदूरों को लेकर के लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे और वो खुद हादसे के दिन से लगातार फीडबैक ले रहे। बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जानकारी दी थी ट्वीट के माध्यम से कि प्रधानमंत्री से बात हुई है, पीएमओ से बात हुई है, और जब ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हो गया तो प्रधानमंत्री की तरफ से उन तमाम लोगों से बातचीत हुई है जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए थे, जिन्होंने अपने हौसले से एक बार फिर से बता दिया कि हम कर्मवीर हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बार फिर यह भी साबित हो गया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो अपने लोग हैं वो इतने सशक्त हैं कि जब कोई भी मुश्किल की घड़ी आती है तो आखिरकार उन्हीं के अपने संघर्ष, उन्हीं के अपने प्रयास, उन्हीं की अपनी तकनीक काम आती है। जैसे रैट माइनर्स, हमने देखा कि ऑगर मशीन के बार बार ब्लेड टूटते रहे, लगातार जो ऑपरेशन था वो डिले होता रहा और आखिरकार रैट माइनर्स ने मंजिल तक पहुंचाया, और मुझे लगता है कि उन्हीं रैट माइनर्स का जिक्र हर अखबार में है। बिल्कुल, क्योंकि रैट माइनर्स ने जो अपनी करामात दिखाई वो वाकई मतलब काबिले तारीफ थी। और पूजा, मेरे पास हिंदुस्तान है और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा। 398 कुल 398 घंटे तक ही फंसे रहे, और इसमें बड़े अच्छे से पॉइंटर्स के जरिए लिखा हुआ है कि 12 नवंबर को जो भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, इसके बाद 22 नवंबर को जितने भी मजदूर थे उन तक नाश्ता पहुंचा, खाने का कुछ सामान पहुंचा, उसमें सफलता मिली। इसके बाद 25 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन टूटी, कई बार काम रुका, कई बार उम्मीदें भी थोड़ी वहां पर टूटती हुई, थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आए, लेकिन एक बार फिर से, यानी कि कल 27 नवंबर को एक बार फिर ऑगर मशीन के टुकड़े निकाले गए, हाथ से खुदाई शुरू हुई और कल जाकर शाम को 7:55 पर सफलता मिली। हालांकि 7:22 से जो मजदूर थे वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे और कहीं ना कहीं उम्मीद पूजा उस दौरान जग चुकी थी कि अब सब कुछ ठीक। और देखिए, क्योंकि अखबार में ना सभी के जो अपने अपने बयान आए, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अब सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी। जैसे द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उत्तराखंड में सुरंग में फंसे समस्त कर्मचारियों को बचाने की जानकारी मिलने से खुश हूँ, और हर किसी का कल जो सबसे पहला भाव था वो था चेहरे पे मुस्कान कि चलिए फाइनली वो लोग बाहर निकल कर आए हैं, जो संघर्ष लगातार चल रहा था 400 घंटों का वो आखिरकार सफल रहा। टनल में फंसे 41 श्रमिकों के लिए मुआवजे का ऐलान, उत्तरकाशी टनल में फंसे जो श्रमिक हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड जो सरकार है वो 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, यानी जो बाहर निकले 41 श्रमिक सभी को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अच्छा पूजा, इसके साथ ही निर्माण कंपनी से मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ और अपने परिवार के लिए जाने के लिए कुछ समय का
सवेतन अवकाश देने को भी सरकार की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कल बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें हर कोई इसमें तारीफ के काबिल हो रहा है, चाहे पीएम मोदी भी, क्योंकि नजर लगातार बनी हुई थी सीएम और सीएम थामी भी उस दौरान थोड़े भावुक भी नजर आए थे जो निकल रहे थे तस्वीर भी, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में दी गई है उनको माला पहनाते हुए सीएम धामी यहाँ पर नजर आए थे, क्योंकि वाकई बहुत खुशी का पल वो था।